हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने चैनल यू एंड मी पर एक सीरीज चलाई है जिसका नाम है रोजाना कमाई। रोजाना कमाई में दोस्तों हम बेसिक स्टॉक मार्केट की चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको पोजिशन डालनी चाहिए, किस प्रकार से आपको हेजिंग करनी चाहिए, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, और साथ ही साथ फिर मैंने आपको दोस्तों बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था कि चार्ट कैसे स्टडी करते हैं, कि कैंडल चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, ये कैंडल्स का पैटर्न बनेगा तो हमें ये करना चाहिए, ये कैंडल्स का पैटर्न बनेगा तो हमें ये करना चाहिए। जैसी भी मेरी समझ है, जैसा भी मैं रिसर्च करके हल्का फुल्का सीखता हूँ, वो मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ हम दूसरे को देखकर नहीं सीख सकते, हमें खुद उन चीज़ों पर काम करना होता, फिर हम वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन चलता है हमारा, तो दोस्तों उसके बाद मुझे लगा था कि यहाँ से डाउन साइड आएगी, लेकिन जब ओवरऑल मैंने वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट होती है जो जीरो से हमारी हाई तक जाता है, हाई पर जाने के बाद अगर इसको हम 100 की चाल मान लेते हैं अपनी रिट्रेसमेंट की, तो वहाँ से कितना डाउनफॉल हो सकता है। तो पहला जो ट्रिगर होता था वो 0.786 का, फिर से 0.618 का, और फिर 50% का, फिर 0.38 का, तो इस प्रकार रिट्रेसमेंट्स होती हैं, तो वो कितना वहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखे हुए था, मुझे ये उम्मीद लग रही थी कि ये अपने चैनल्स के अपसाइड तक यहाँ पर जरूर बेस बनाएगा, लेकिन जो रिट्रेसमेंट मैंने डाली वहाँ पर, रिट्रेसमेंट में उसने अपने दूसरे लेवल से यानी कि 0.786 से ही वहाँ से रिवर्स हो, इसका लो बिल्कुल जो हमारी कैंडल्स बनी है इसके यहाँ से ही रिवर्स ले लिया। अब या तो इन दोनों दायरे में ट्रेड करेगा ऊपर, ये हमारा 11500 से लेके नीचे 450 तक इसी दायरे में निफ्टी काम करेगी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पीछे तो काफ़ी जगह पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मिली हुई है निफ्टी के अंदर, इसी दायरे पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मिली हुई है। तो ये जो हमारी रेजिस्टेंस है, ये इस रेजिस्टेंस पर अभी आप देखेंगे कि यहीं से रिवर्स हुआ, पहले भी निफ्टी इसी पर रेजिस्टेंस थी, उसके बाद थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुई 20-25-50 पॉइंट की, और फिर वहां से ऊपर जाके निफ्टी ने अपना हाई बनाया था। तो इसी रेजिस्टेंस को उसने अब दोबारा से फिर रेजिस्टेंस ले लिया, अपनी सपोर्ट बना लिया है, तो सपोर्ट के यहीं से टर्न किया। तो देखेंगे 0.786 फिब्रुअरी का जो रिट्रेसमेंट आता है वो भी इसी लेवल्स पर आता है, जो पीछे हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी थी वो भी यहीं पे आती है। तो ये 10 पॉइंट का यानी कि 11350 से 11360 के बीच की एक रेजिस्टेंस हमारे पास बनी हुई है। तो जब तक निफ्टी इससे नीचे नहीं जाएगी, तो पहला टारगेट तो ये रहेगा कि इससे नीचे जाएगी तो ही नीचे डाउन होगा, नहीं तो निफ्टी ऊपर ही रहनी चाहिए फिलहाल के लिए, और इसी को स्टॉप लॉस लेकर हम बाइंग और अपनी रखेंगे। लेकिन अगर अब जैसे सेटलमेंट के सिर्फ 2 ही दिन पेंडिंग है हमारे पास, आज का 2 दिन का पेंडिंग रह गया हमारा, तो वहां पर ये करेंगे कि दूर की हम दोनों तरफ की बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड दोनों ले लें, ताकि यदि कोई भी बुल रन आता है ऐसा, जैसे 150 पॉइंट का ये 100 पॉइंट का ये रन आया है, तो उस चीज में हम इस चीज का फायदा उठा सकें। जहां तक बात ये हमारा RSI है, RSI भी हमारी चाल को रिवर्स हुआ है, लेकिन ओवरऑल अब ये एक नॉर्मल जोन में आया है, ओवर बाय बोर्ड जोन से नीचे आया है, तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग जोन में, इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन हाँ सेलिंग जरूर हुई, वहाँ प्रेशर बना। ऐसे ही हमारा जो MACD था उसका भी आप देखेंगे कि गैप था, वो गैप फिलअप करके अब एक डाउन साइड की तरफ ये होने की चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद ये की जाती है कि जब तक हमारी रिट्रेसमेंट के उस लेवल्स पर ऊपर है, तो 11360 के ऊपर है, तो तब तक तो बाइंग बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर हम नीचे की तरफ हो सकते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बैरिश पैटर्न बना था, जिसके बिहाफ पर मैंने आपको सेलिंग कहा था वहाँ पे, और वहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी हुआ, और गैप अप ओपनिंग के बाद काफ़ी नीचे तक भी गया, लेकिन वो जो हमारा ये 0.786 की उसकी रिट्रेसमेंट से इसने क्लोजिंग नीचे नहीं दे पाया, और क्लोजिंग नीचे नहीं दे पाया इसीलिए अब वापस उसी लेवल्स को लेकर ये बाइंग बन गई यहाँ पे, लेकिन उसने अपनी हाई को नहीं काटा अभी भी। तो हाई लेवल पर टच जरूर किया उसने, लेकिन हाई लेवल को काटा नहीं है, तो अभी भी हम इस कॉन्शियस पीरियड में भर गए कि अब यहाँ पे होगा क्या है। नीचे 0.78 की रेजिस्टेंस है, ऊपर हमारा जो टॉप लगा हुआ है उसकी क्लोजिंग है, तो इससे क्लोजिंग किस तरफ दी जाएंगी वो एक माइंड रखिएगा कि क्लोजिंग हमारी आएंगी किस तरफ।
अगर अपने लेवल को हाई काट के वापस ऊपर चल जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा बाउंस बैक होगा और ये आगे जाके हमारी स्पोर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अपने हाई काट को हम ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाते तो फिर एक हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी कि रेजिस्टेंस को जब तक हम ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाएंगे तो तब तक हम इसमें ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ऊपर की तरफ हमारी हाई और नीचे की तरफ हमारा 0.75 का हाई यानी कि 29200 के करीब का लो, ये दोनों ही एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे अब आगे जाके। और ये अप्रोक्स 1000 पॉइंट के करीब का गेम होगा क्योंकि ऊपर 30,000 और नीचे 29200 800 पॉइंट के करीब का गैप होगा जो कि एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग जोन बन जाएगी इसके लिए। तो जब तक इसको कोई सिग्निफिकेंट ला जो हमें अच्छा तरीके से लगे वो जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा या ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हम इसमें न्यूट्रल बने रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने दूर की पोजीशंस को अपने बुल स्प्रेड और बेयर स्प्रेड के हिसाब से काम करें क्योंकि अब सेटलमेंट के सिर्फ दो ही सेशंस बाकी आ गए हैं तो उनके हिसाब से हम अपने ऑप्शंस को बेच बाय करके और बुल स्प्रेड को और बाय करके चलेंगे तो शायद बेहतर है क्योंकि निफ्टी की चाल अगर किसी तरफ भी हुई तो हमें एक तरफ पैसे लगेंगे तो दूसरी तरफ पैसे आने की संभावना पूरी बनी रहेगी। सिंगल या तो बुल स्प्रेड या बेयर स्प्रेड ना रखें, दोनों तरफ अपने आप को सेफ्टी प्रिकॉशंस पर रखें जब तक कि हम एक तरफ इसका ट्रेंड नहीं देख पा लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इंट्राडे के लिए और ये आपके क्वेश्चन वगैरह है तो आप मेरे जरूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू एंड मी एंड हमारी सीरीज रोजाना कमाई और इंट्राडे। थैंक यू।